Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathaway BTV Yuva. Kyun ke samana we the youngsters ka. Well, itni sari filmein jis weekend release hoti, confused aa chahte hain ki kaun si movie dekhe aur kaun si chhod dein ya kaun si during weekdays dekhe. So, filhal main aaj wahi confusion aapka dur karne aayi hoon. Aaj ka movie review jo main karne wali hoon Carnival Cinemas Malhar Mega Mall mein, wahan pe hongi char filmein. In fact, दो फिल्मों को मैं फटाफट आपको बताऊंगी, पर दो फिल्मों को आराम से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी. सबसे पहले तो ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल. ड्रीम गर्ल अगर आयुष्मान खुराना है तो बाय गॉड हर कोई इस फिल्म को देखना चाहेगा. सेकंड मूवी इज पहलवान. माय गॉड, यहाँ पे हमारे शेट्टी दादा दिखाई देने वाले हैं एज इन कोच की भूमिका में, और पहलवानी होने वाली है. साउथ का पूरा जो जॉनर है वो इस फिल्म में है. देन थर्ड इज सेक्शन 375. इट्स अ रियल स्टोरी एंड इट्स बेस्ड ऑन. अभी सारे सेक्शन ही चल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी सेक्शन 370 पे भी बन जाएगा. आर्टिकल 15 भी बन चुका है, तो देयर आर लाइक सेक्शन 375 हम देखेंगे कि इस फिल्म में क्या होता है. एंड देन एक बहुत ही डरावनी मूवी है जिसका पहला सेगमेंट जब आया था वही बहुत लोगों को पसंद आया था. तो इट का सेकंड मूवी आ चुकी है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सी इट बट आई एम गोइंग टू टेक द रिएक्शंस. सो ये चारों ही फिल्मों के रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूंगी. सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम गर्ल की. फिर मेरे साथ हैं उर्वशी और निकिता. ड्रीम गर्ल बहुत अलग कॉन्सेप्ट है. आयुष्मान खुराना की हर फिल्म कमाल की होती है, वो फिर आर्टिकल 15 हो या विकी डोनर हो, कोई सी भी हो. तो कितना वेट करते हो कि आयुष्मान की कोई मूवी आनी है, और कितनी एक्सपेक्टेशंस थी आपकी ड्रीम गर्ल से? बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट डे पर ही उसे देखने आए हो तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी और बहुत मज़ा आ रहा है. अच्छा, क्या रीज़न था? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अमेजिंग लग रहा है कि आयुष्मान के कारण देखना है? दोनों चीज़ें. आयुष्मान तो बेस्ट है ही सही, बाकी हमको कॉन्सेप्ट और ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा था इसलिए हम लोग देखने. और ये बताओ कि ये जो ये हरियाणवी भी बोलते हैं, एकदम खड़ी लैंग्वेज बोलते हैं आयुष्मान, एकदम का कर रही से टाइप की मज़ेदार बोलते हैं वो कितनी सूट करती है उन पर? और आप ये मानते हो आज की तारीख में कि बड़े बड़े हीरोज़ को पानी पिला देते हैं आयुष्मान? ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, तो बेस्ट है, मतलब माई फेवरेट. मूवी में हंसी वसी आ रही है, ऐसा मजेदार वाली फीलिंग आ रही है, पैसा वसूल हुआ कि नहीं? बिल्कुल पैसा वसूल है. सेकंड भी ऐसा नहीं है जिसमें आप हंस नहीं रहे हो पूरी मूवी में, मतलब पूरा टोटली स्माइल कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट डायलॉग से लेकर अभी तक. नुसरत कैसी लग रही है? सही चॉइस है कि कोई और भी हीरोइन होती चलती? नहीं नहीं, वो भी ठीक है, वो भी अच्छी है. वो सोनू की टीटू के बाद तो वो मतलब सबके उस पर आ गई थी टॉप लिस्ट पे, और अब तो फिर दोनों की जोड़ी तो अमेजिंग. पांच में से कितने स्टार्स देंगे आप? 5/5. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. मेरे साथ दो दमदार नाम के लोग जुड़े हैं, विजय और आनंद. एंड ड्रीम गर्ल. ओके, ड्रीम गर्ल इज़ वन सच मूवी जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही, ऐसे तो आयुष्मान खुराना की हर फिल्म का कॉन्सेप्ट बड़ा ही मज़ेदार होता है. और क्या यही रीज़न था कि आपको लगा कि मूवी भी जो होगी लाइट हार्टेड होगी, मज़ेदार होगी, हंसी मजाक होगा और थोड़ा सा एंटरटेनिंग होगा? या एक्चुअली आयुष्मान की जो भी मूवीज़ होती है उसका कॉन्सेप्ट हमेशा नया होता है. ही ब्रिंग्स ऑलवेज द न्यू कॉन्सेप्ट इन द ऑडियंस टू मेक देम एंटरटेन एंड टू मेक देम एज इन ग्रास्प द ऑडियंस एज वेल रिगार्डिंग द मूवी थिंग्स एंड ऑल. And it's quite a good movie as well. I have seen the half movie. मज़ेदार लग रही है एकदम, ऐसा हंसी आ रही है, मतलब ऐसा जो पंचेस मार रहे हैं वो, जो डायलॉग्स दे रहे हैं वो, उन पे मज़ा आ रही है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है. ओके, movie that can make us laugh and entertaining, we have enjoyed the movie. अच्छा, अब ये बताओ कि आयुष्मान खुराना बड़े एक्टर्स को कितनी टक्कर देते हैं? मतलब अभी जो हम बोलेंगे सलमान खान क्लब, शाहरुख खान क्लब, अक्षय कुमार क्लब, उसके साथ एक बड़ा क्लब हो गया है आयुष्मान खुराना क्लब. To be frank with the audience, I guess, ma'am, मैं खान्स की मूवीज बिल्कुल नहीं देखता. एक्चुअली I have seen movies of Sushant, Ayushman, and he's giving them future hai, yeah, Bollywood. We can say that he's giving a tough competition to Khans and all the Bollywood stars who are previously working in the Bollywood. But yeah. लड़की की आवाज निकाल सकते हो ड्रीम गर्ल जैसे? No, I didn't even try it, ma'am. No, I can't do that. Thank you so much. पांच में से कितने stars देंगे? Even 5 out of 5. 5. Yeah. Sure. Thank you so much for joining. वेल, एकता कपूर अगर किसी मूवी में पैसा लगा रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो मूवी पूरी एंटरटेनिंग मूवी होगी. और लेट मी टॉक अबाउट फास्ट ड्रीम गर्ल के बारे में, बिकॉज इट इज़ बीन लाइक प्रोड्यूस्ड बाय बालाजी टेलीफिल्म्स. डायरेक्टर जो हैं वो राज शांडिल्य हैं, बट जो एक्टर है ना बॉस इस फिल्म में, आयुष्मान खुराना,
आंख बंद करके भी अगर आप इस बंदे की मूवी देखने जाओगे ना, और आप सोचोगे मत सोचोगे अच्छी होगी कि नहीं होगी, 100% अच्छी ही निकलेगी, बिकॉज ये वो फिल्में चूज़ करते हैं जिनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है, ये वो फिल्में चूज़ नहीं करते जिनका बजट बहुत स्ट्रांग होता है। दैट इज़ द रीज़न विकी डोनर, शुभ मंगल सावधान, आर्टिकल 15, हर फिल्म आयुष्मान खुराना की खटाक से दिल पे लगती है और हम बोलते हैं बाबा ये लड़का जो है ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। सो इसीलिए आधी से ज़्यादा जनता तो ये सोच के ही आएगी कि आयुष्मान की फिल्म है, कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो आयुष्मान तो सब संभाल ही लेगा। सो ड्रीम गर्ल एक ऐसी मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगेन अलग है। बंदी जो है, एक बंदी है पूजा नाम की, अब वो लोगों की जो एक अकेलापन है उसे ख़त्म करती हैं और वो लोगों को एक सांत्वना देती हैं, वो लोगों से प्यार से बात करती है, वो बहुत सारे लोग हैं जो उससे फ़ोन पे बात करके अपना दिल हल्का करते हैं, कोई अपनी शायरी सुनाता है तो कोई उससे अपने दिल की बात कहता है तो कोई उससे प्यार करता है, सब कुछ होता है, ठीक है। अब ये पूजा कौन है भाई? ये पूजा है आयुष्मान खुराना, जिसका नाम है करम। करम एक अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा है, वो प्यार करता है माही से, उसे सब कुछ बहुत परफेक्ट सेट है, वो अपने सारे लोन्स भी चुका रहा है, पर वो लोन्स चुका रहा है पूजा बनके। उसका जॉब है पूजा बनके लोगों से फ़ोन पे बात करने का, जो आप देखते हैं इंटीमेट कॉल्स होते हैं जो उस पर जो नंबर्स फ्लैश होते हैं उस पर जब फ़ोन लगाया जाता है तो सामने वाली लड़की आपसे बात करती है, तो उसी तरीके का कॉल सेंटर में आयुष्मान खुराना काम करते हैं। भैया लोन्स भरना भी ज़रूरी है और ये सब भी है, तो अब पूजा जो है वो लोगों के दिल में दिमाग में इस कदर घुस जाती है कि ये पूजा जो है वो करम को परेशान करने लग जाती है। करम अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से के साथ ट्रैक पे नहीं चला पाता और ऐसा होता है कि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। सेकंड हाफ में आपको पूजा के स्यापे दिखाई देंगे, बट पूजा जो है वो बहुत ही अच्छी आवाज़ वाली एक ऐसी लड़की है जो सबके दिलो दिमाग पे छाई हुई है। अब किस किस के दिलो दिमाग पे छाई हुई है? करम के पिताजी भी हैं उसमें, करम का होने वाला साला भी है उसमें, एक लड़की भी है उसमें। सो देर आर फ्यू कैरेक्टर्स हु आर जस्ट इन लव विथ पूजा, और पूजा कौन है? करम है। सो यहाँ पे विजय राज का कैरेक्टर कमाल का पुलिस वाला निभाया है उन्होंने, और वो विजय राज जो बोलते हैं ना, मतलब उनका डायलॉग डिलीवरी इतनी बेहतरीन होती है कि मज़ा आ जाता है देख के। देन सेकंड इज़ अनु कपूर, बाय गॉड ये आदमी जितना बड़ा होता जा रहा है ना, थिएटर आर्टिस्ट है ये उतना ही मंजता जा रहा है। और अनु कपूर साहब जब भी किसी फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर भी करते हैं ना, अनु कपूर और आयुष्मान खुराना इनकी तो मतलब ट्यूनिंग विकी डोनर के टाइम से ही हमें बहुत पसंद आई है। तो ये उनके पिताजी का कैरेक्टर निभा रहे हैं इस फिल्म में, विजय राज है। देन अभिषेक बैनर्जी है जो स्त्री मूवी में हमें दिखाई दिए थे डरपोक से, बट वो भी बेहतरीन एकदम प्यार में मशगूल आदमी ये एक रोल में दिखाई दे रहे हैं। सो देर आर मैनी यू नो देर आर मैनी शेड्स ऑफ द स्टोरी एंड द स्टोरी इज़ वेरी लाइट, इट गिव्स अ वेरी लाइट मैसेज। क्लाइमेक्स भी बड़ा सूदिंग कूल सा, ड्रैग ही नहीं है, कोई भी शॉट ड्रैग ही नहीं है, बीच में आपको हंसी भी आएगी, डबल मीनिंग जोक्स भी मिलेंगे जो कि बालाजी की मूवीज़ में होते हैं, कुछ मस्ती भरी बातें भी होंगी, कुछ सीरियस नोट पे एक कंक्लूजन भी होगा, बट ऑल इन ऑल पैसा वसूल होगा, आपको मज़ा आएगा, आप हंसेंगे और आप यही बोलेंगे कि सही बात है भाई। सो मैं 5 में से 4 स्टार्स देना चाहूँगी ड्रीम गर्ल को, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ऐसी लाइट सिनेमा लोग देखें और अपने जीवन का जो इतना भार है वो थोड़ा कम करें और हंसी मजाक के साथ फिल्म से बाहर निकलें, ना कि लोड टेंशन लेकर दिमाग में बाहर निकलें। सो ड्रीम गर्ल के बारे में बात के लिए अब बात करते हैं हमारी सेकेंड रिलीज पहलवान। Well, everybody know that Kannada film industry is no longer a small film industry like Tamil, Telugu, Malayalam film industry. We have this Kannada film industry and it is one of the finest, because last movie produced by Kannada film industry was the epitome of artistic cinema, and that was KGF. The cinematography, everything was so perfect. And now it's time for one of the major awaited release of the year that has been produced by Kannada film industry, and that is Pehlwan. So Pehlwan jo hai Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam, Kannada in 5 languages mein release hui hai, and ye Kicha Sudeep ki bahut most awaited movie thi. Ye wo aadmi hai jo ki
मेथड एक्टिंग करता है, ये मक्खी बनता है तो हमें उस मक्खी के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, ये मक्खी में विलेनस के कैरेक्टर में था और हमें उस विलन से प्यार हो गया था क्योंकि इन्होंने निभाया ही वैसा था। ये हमेशा अपने कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग अलग है, मतलब आप देखो कि महेश बाबू की फ़ैन फॉलोइंग अलग है, रामचरण की अलग है, अर्जुन की अलग है, आप खुद सोचो कि जो सुदीप है इनकी इनके फैन से आप जब पूछोगे इनकी फिल्म का कितना इंतज़ार होता है तो बता देंगे भाई की मूवी मतलब डेडली, और जो इनके डाई हार्ट फैन है वो तो ये मूवी देखेंगे ही देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पहलवान। पहलवान इज़ अ वेरी सिंपल मूवी जिसका स्टोरी लाइन बड़ी सिंपल है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। सो इसकी स्टोरी है कि एक पहलवान है जो कि ऑर्फन है, अनाथ है बचपन से, पर उसे पारता कौन है, सरदार यानी सुनील शेट्टी उसका